हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मेरा सामने देख रहे हैं एक मिक्सर ग्राइंडर, बजाज कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर है। तो ये देखिए आवाज़ आ रहा है पूरा, तो देखिए आपको दिखा रहा है, देखिए साउंड तो ये देखिए पूरा आवाज़ आ रहा है। तो देखते हैं इसका बूस्ट खराब हो गया कि इसका शाफ्ट खराब हो गया, अल्मेचर का शाफ्ट खराब हो गया। तो चलिए इसको देखते हैं हम क्या फॉल्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कनेक्शन खोल के पूरा मोटर तो बाहर निकाल लेंगे, मोटर तो बाहर निकाल के उसके बाद अल्मेचर को खोलेंगे और चेक करेंगे कि इसका क्या ख़राब है। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी हम इसको खोलते हैं और इसको फिर चेक करेंगे। तीन ठो नट जो ऊपर में बॉडी के साथ में कनेक्ट है तो बहुत जंक हो गए, जंक लग गया, पानी गया है तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो चलिए इसको जल्दी खोलते हैं हम, बहुत टाइट है, पूरा जंक लगा हुआ है तो इसीलिए टाइट लग रहा है। देख बहुत टाइट किया हुआ, मतलब पूरा पानी गया है ना, इसलिए जंक लग गया उसी में। तो चलिए इसको हम खोलते हैं। चलिए खुल गया है। चलिए मोटर तो हम बाहर निकाल लिए, अब इसको चेक करेंगे कि इसका क्या खराब है। बूस्ट खराब होगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो अर्मेचर का शाफ्ट अगर खिया गया है तो फिर दिक्कत होगा, फिर हमको एक्स बूस्ट लगेगा, जो 2x होता है उसको बूस्ट हो लगेगा। तो देखते हैं पहले क्या खराब है, देखते हैं खोल के। तो ये देखिए आपका ये पूरा ढक है, लेकिन आपका ये साइड भी ढक है, दोनों साइड में बूस्ट चेंज होगा आपका। दोनों साइड में बूस्ट चेंज होगा, प्लस अल्मेचर भी खियाया हुआ है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये साइड में आपका बूस्ट लगभग पूरा खराब हो गया, ये देखिए ढक कर रहा, पूरा आराम से डूब जा रहा। तो ये देखिए ये साइड में थोड़ा टाइट है, लेकिन उस साइड में आपका ये आपका नॉर्मल बूस्ट नहीं लगेगा, 2x का बूस्ट लगेगा, क्या है कि ये पूरा ढीला है और वो सेफ्ट को खियाया हुआ है। तो देखते हैं 2x बूस्ट को हम लगाते हैं और इस डाला में फिट करेंगे दोनों बूस्टों। ये देखिए पूरा खियाया हुआ है, ये देखिए पूरा दाग आ गया है। तो देखते हैं 2x बूस्ट है, अब इसको हम फिट करेंगे, अब इसको चेक करेंगे। तो देख रहे पूरा टाइट, देखिए टाइट जा रहा, तो उसका बीच में ई करना हो तो इसको हमको पहले घिसना पड़ेगा सीज फाइल से, या फाइल से घिसना होगा या सीज पेपर से घिसना होगा। तो चलिए सीज फाइल से पहले घिस लेते हैं, उसके बाद फिर बूस्टर ढुकाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि ढक है कि नहीं। जिस ऊपर का साइड में बूस्ट नहीं जा रहा था अंदर, वहीं पर सिर्फ घिसेंगे, नीचे नहीं घिसना है।
अभी उस चीज पेपर से थोड़ा सा पॉलिश मार दे रहे हैं। ये देखिए अब चलिए बूस्ट हम ढुकाते हैं। तो ये देखिए थोड़ा टाइट जा रहा था, थोड़ा प्लास का सहायता से इसको अंदर ठेलेंगे हम। तो ये देखिए चल गया है, लेकिन हल्का से भी थोड़ा ढक है, हल्का ढक है, इधर टाइट है। तो चलिए इसको बूस्ट और फिट करते हैं। उसके बाद हम इस डाला में फिट कर दिए हैं, अब इसको हम चेक करेंगे। तो चलिए इसको फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि आवाज़ कर रहा है कि नहीं, लेकिन ऊपर का साइड में हल्का सा ढक हो रहा है, क्योंकि पूरा खियाया हुआ है। तो चलिए जितना दिन चलेगा चलाएंगे। तो चलिए पहले इसको आवाज़ देख ले, अगर पूरा आवाज़ करेगा तो हम इसको अलमेचेट चेंज कर देंगे। तो चलिए जल्दी इसको फिट करते हैं और फिट करके इसको फिर चेक करेंगे हम। तो जिस तरह हम दागे मारे हुए हैं वाइटनर की सहायता से, उसी तरह हम फिट करना है। और इसका न्यू कार्बन हम चेंज कर देंगे, मतलब न्यू कार्बन दे, इसका हम कार्बन भी नया लगा देंगे, पुराना कार्बन नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा ढक हो रहा तो थोड़ा सा टाइट कर दे रहे हैं हम। यहाँ एग्जैक्टिंग नट है टाइट करने के लिए, तो देखिए टाइट कर दिया। अब चलिए न्यू कार्बन हम लगा दे रहे हैं। तो चलिए फ्री है, अब इसको हम एक बार बॉडी देके चेक करेंगे कि बॉडी है कि नहीं। तो चलिए बॉडी नहीं है, अब चलिए इसको फिट करके एक बार चालू करेंगे। तो चलिए पहले बॉडी में इसको हम फिट कर ले रहे हैं हम। तो चलिए तीन टू नट हम लगा दिए बॉडी में। अब इसको हम जिस तरह आप इसका स्विच लगा हुआ उसी तरह स्विच लगा के और फिर इसको हम चेक करेंगे कि आवाज़ कर रहा है कि नहीं। तो चलिए इसका स्विच भी ठीक है, अब इसको हम लाइन दे के एक बार आप चेक करेंगे हम। तो ये देखिए लाइन दे दिए, चल रहा है, लेकिन आवाज़ भी हल्का हल्का कर रहा है, हम लोग ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रहा था, जो पहले जैसे आवाज़ कर रहा था वैसा नहीं कर रहा है। तो चल रहा है, आवाज़ हल्का हल्का कर रहा है। तो जितना दिन ये चलेगा चलाएंगे, उसके बाद फिर इसको अलमेचर को चेंज कर देंगे। हल्का हल्का आवाज़ आ रहा है, ये देखिए पूरा फुल स्पीड हो जाने के बाद इसका आवाज़ नहीं करेगा। चलिए इसको आपको बढ़िया से दिखाते हैं। और इसका फायरिंग भी नहीं कर रहा, क्योंकि अलमेचर इसका सही है, इसी कारण से जितना दिन चलेगा चलाएंगे। तो ये देखिए इसका फायरिंग भी नहीं कर रहा। तो चलिए इसको हल्का सा आवाज़ करा, तो ये भी दिखा दे रहा इस साइड में भी, ये देखिए हल्का हल्का आवाज़ कर रहा। तो जितना दिन चलेगा चलाएंगे, उसके बाद जब ये आपका अलमेचर तो ख़राब हो जाएगा पूरा, तो फिर इसके बाद चेंज करेंगे। तो चलिए वीडियो को कैसा लगा, वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद एंड वंदे मातरम।